फ्रेंड्स वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? तब्दीली लास्ट पार्ट में आपने सुना कि मैंने किस तरह आरू को समझाया, अच्छा समझाया बुरा समझाया डोंट नो, बट आरू को चीज़ समझ में आ गई। नेक्स्ट डे आरू रेडी होती है और अब थोड़ा अपने काम के लिए निकल जाती है, वहाँ काम अपना कंप्लीट करती है। इधर मानवी भी रेडी होती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। उस दिन निधि नहीं आती है। निधि के ना आने की वजह से वैसे भी निधि वहाँ आगे करती ही है, लेकिन मानवी चाहती थी कि निधि आए और उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, हैंग आउट करे। तो निधि को कॉल करती है और कहती है कहाँ हो तुम? तो निधि कहती है मैं मायशा के साथ हूँ। तो वो कहती है ओके ठीक है कोई बात नहीं, चलो फिर तुम एंजॉय करो, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। तो निधि बोलती है क्या हुआ? कहती है कुछ नहीं यार, कॉलेज आई थी, मन नहीं लग रहा था, सोच रही थी कहीं हैंग आउट करने चलते हैं। निधि बोलती है आरू को कॉल करो, जाओ उसके साथ। कहते यार क्या है, आरू को कॉल करूं? सुबह से उसने कॉल किया, एक बार भी नहीं किया मुझे। मैं क्यों करूं, मेरे को भी नहीं करना। तभी पीछे से उसके कॉल पे वेटिंग आने लगती है। तो मनवी देखती है कि आरू का कॉल होता है, तो कहती है आरू का ही कॉल आ रहा है। तो निधि कहती है बात करो। तो मनवी कहती है ठीक है बाय, ये कह के वो कॉल कट कर देती हैं और बात करने लगती हैं आरू से। आरू कहते हैं कहाँ हो तुम? कि कॉलेज हूँ, और कहाँ हूँ? अच्छा क्या कर रही थी? मैं कॉलेज में भांगड़ा कर रही थी, आ रहे हो साथ में करते हैं? आरू कहते हैं हो कोई बहुत गुस्से में है, क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों बताओ ना। मानवी कहती है कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से आप। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। थारू कहती अरे 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 बाबा क्या हो क्या? हाँ क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों, किस लिए, कुछ हुआ है क्या, मैंने कुछ किया, मैंने कुछ कहा, मैंने कुछ बोला? तो मानवी कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, फिलहाल मेरा मन नहीं लग रहा, अगर टाइम हो, फुर्सत में हो, फुर्सत मिल जाए तो आ जाओ प्लीज, कहीं घूमने चलते हैं। आरू कहती बस अभी पहुंची, सब कुछ छोड़ के आती हूँ तुम्हारे पास। तो मानवी कहती है कि वेटिंग, कहती ओके फाइन आती हूँ मैं जल्दी से। मानवी कहती है ठीक है आई एम वेटिंग, और ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े मुझे, क्योंकि मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं है। तो कहती है ठीक है बाबा अब भी आई, थोड़ा सा टाइम दे दो बस। ये कह के मानवी कहती है ओके फाइन बाय, और ये कह के वो कॉल कट कर देती है। इधर आरो अपना काम फिनिश करती है, फटाफट अपनी जैकेट उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। तो निधि को कॉल करती है कि एक बार पूछ ले कि मानवी के लिए ड्रेसेस में क्या लेके जाए, उसे गिफ्ट देना है। लेकिन निधि कॉल नहीं उठाती, वो बार बार कॉल करती है निधि को, निधि उसके कॉल पिक नहीं करती हैं। निधि को बार बार कॉल करती हैं, निधि कॉल ही नहीं रिसीव कर रही होती, मैसेज भी डालती है तब भी कोई रिप्लाई नहीं आता। अरे यारो जी निधि तो निकल गई हाथ से, लव शम में पड़ गई हैं, अब कहाँ आपका कॉल रिसीव करेंगी। और वो बहुत परेशान हो जाती है, वो एक दुकान पे जाती है, मतलब शॉप पे जाती है और मानवी के लिए ड्रेसेस देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि
कि एक्चुअली उसे पसंद तो उसकी पता होती है, लेकिन ड्रेसेस में इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि उसे ये नहीं समझ में आता कौन सी ड्रेस पे वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, कौन सा कलर उस पर ज़्यादा सूट करेगा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में होती है, और इस समय उसे याद आती है, पहले देखो निधि की याद आई है, ठीक है, जब निधि ने कॉल मैसेज नहीं उठाया तब उसको याद आती है आयुषी की, क्या रे यार आयु को कॉल करते हैं ना, वो बता देगी। तो वो अपना कॉल फ़ोन निकालती हैं, सेल फोन, और आयु को कॉल करती हैं, आयु कॉल कट कर देती है, और इतना गुस्सा आता है उसे कि क्या है यार आज सब बिजी हैं, हद नहीं हो गई है बिल्कुल। और वो फिर कॉल करती हैं, आयु फिर कॉल कट करती है, वो फिर से कॉल करती हैं, तो मैं फिर से कॉल कट कर देती हूँ, वो इस बार हारती है और मैसेज करती है मेरा कॉल उठाना है या नहीं। तो इधर से मैं मैसेज करती हूँ, क्या काम है काम बता, दिमाग चाटने के लिए अगर कर रही है तो टाइम नहीं है मेरे पास, बिजी हूँ। कहती है और बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, बहुत, प्लीज़ एक बार कॉल उठा ले, प्लीज़ वीडियो कॉल कर रही हूँ, उठा ले उठा ले उठा ले। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, इतना मत रो कर। तो आरु कॉल करती हैं और मैं कॉल उठाती हूँ, हाँ बोल, सुबह सुबह तेरी शक्ल देखनी थी आज मुझे। कहती सुबह हो रही है, दोपहर हो रही है। तो मैं कहती हूँ जब जागू तभी सवेरा, मेरे लिए अभी सवेरा हुआ है, मैं अभी अभी उठी हूँ, तो तेरी शक्ल नहीं देखनी थी। तो आरू कहती तू इसलिए कॉल कट कर रही थी मेरा क्योंकि तू सो रही थी। कहती ऑब्वियसली मेरी नींद तुझसे ज़्यादा प्यारी है मुझे। तो आरू कहती यार अच्छा ठीक है, अभी मेरे को लड़ने का मूड नहीं है, तो मुझे ये बताओ इन ड्रेसेस में से कौन सी ड्रेस। तो मैं कहती हूँ ओ मेरे लिए, अच्छा वैसे तो मैं ड्रेसेस पहनती नहीं हूँ, तुझे पता है। कहती हाँ पता है, ओकेजनली पहनती है। कहती हाँ ओकेजनली। तो कहती है तो अभी मैं तेरे लिए नहीं देख रही। तो मैं कहती हूँ हाय दिल तोड़ दिया ना तुमने मेरा, कहाँ तो मुझे प्रपोज किया जा रहा था, कहाँ मेरे साथ के सपने देखे जा रहे थे, कहाँ मुझे सांसों में भरना था, यहाँ तो बाहों से भी दूर फेंका जा रहा है। उफ एक ड्रेस के लिए तुमने मुझे पराया कर दिया, मुझे तो पता भी नहीं था। अरे कहती हो गई नौटंकी, हाँ सूट नहीं करती तेरे पे ये बातें, तेरे साथ कोई करे तब सूट करती है। तो मैं वहाँ चुप हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है पता काम क्या है। तो और बोलती है सॉरी। कहती हूँ किस लिए। कहती सॉरी ना मुझे पता है तुझे कुछ याद आ गया होगा। कहती हूँ नहीं कुछ नहीं, छोड़ना इन बातों को, तू बता ना ड्रेस किसके लिए। तो कहती है मानवी के लिए। कहती हूँ अच्छा मानवी के लिए, मैं नहीं बता रही। तो कहती क्यों, पहले मिलवा मानवी से उसके बाद देखते हैं, पहले हमें उनके दर्शन तो कराइए उसके बाद सोचेंगे क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अब मैंने उसे देखा भी नहीं है तो बताना मैं कैसे बता सकती हूँ कि उस पर क्या सूट करेगा और क्या नहीं, दिखा तो सही। तारू कहती है देख कलर फेयर है, हाइट तेरे जितनी होगी, लुक वाइज तुझसे खूबसूरत। तो मैं कहती हूँ सोच के बोलना, देख लो ड्रेस मुझे ही पसंद करनी है। कहती हाँ हाँ तेरे से 19 होगी। कहती हाँ अब ठीक है। तो आरू कहती हूँ मतलब अपनी तारीफ करानी है। तो मैं कहती हूँ जो तारीफ के लायक होता है उसकी तारीफ ही की जाती है। आरू कैसी बात कर रही हो यार। कहती हटना। अच्छा कहती
तेरी कौन तारीफ करेगा यार, तू तो बेकार है। अच्छा शायद तुम भूल रही हो आरुचि कि आप हम पे कभी फिदा थी, आगे पीछे चक्कर काटा करती थी। हाँ आज ये बात है, हे यहाँ तो लोगों के तेवर नहीं मिजाज ही बदल गए हैं। इश्क का रंग क्या चखा, इश्क का रंग क्या चखा, मिजाजों ने अपना रुख बदल लिया, क्या बात है। कभी बाहों में लेने की बातें हमें होती थी, आज तस्वीर में किसी और को ले लिया। आए हाय गजब करते हो यार, क्या सितम करते हो यार। और कहती है हो गया, काम की बातें करें। कहती हाँ ना काम की बातें करें। देख जो तू डिस्क्रिप्शन दे रही है इस हिसाब से मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब तू मेरे को बताइए या नहीं बताइए। तो अरु कहती है क्या, कहती पिक भेज दे यार देख लूँ मैं तब तो बताऊँ। तो अरु कहती तुझे बड़ी जल्दी है देखने की, क्या है। तो मैं कहती हूँ अरे तो एक बार देखने तो दो, बिना देखे कैसे बताऊं कि कौन सी ड्रेस उस पे अच्छी लगेगी कौन सी नहीं। कहती नहीं तुझे पिक नहीं दिखानी मुझे। तो मैं कहती हूँ ठीक है एक काम कर, तेरी बेस्ट फ्रेंड है ना निधि, उसको कॉल कर, चल मेरा पीछा मत कर, मेरी नींद डिस्टर्ब की। एक तो तूने ऊपर से नौटंकी, निकल यहाँ से फुट हट, कॉल मत कर दिया दोबारा, पलट के मुंह तोड़ दूंगी नहीं तो तेरा। तारू कहती अच्छा सुन 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 सुन। कहती नहीं सुनना, जा निधि को कॉल कर, मेरा दिमाग ना खा। कहती यार निधि कॉल नहीं उठा रही। कहती अच्छा तो पहले वहां पे ट्राई किया गया है देन यहाँ आया गया है, तेरी तो ऐसी की तैसी, रख फोन अभी रख, बात भी मत कर लियो मेरे से, निकल यहाँ से फटाफट फटाफट निकल ले, दिख मत चाहिए मुझे, मेरे आसपास 10 किलोमीटर तक के एरिया में तेरी शक्ल ना नजर आ जाए। तारू कहती है इतना गुस्सा, कहती हूँ तू एडवाइस लेने मेरे पास आती है और ऐसी चीजों में निधि के पास जाती है क्यों। कहती बात वो नहीं है यार, बात ये है ना, मैं तुझे पता है यार तेरा, और तू ही कहती है ना कि इन सब चीजों से तुझे दूर रखा करें, बस इसलिए। कहती अच्छा ठीक है यार, मैं मजाक कर रही थी, पिक दे रही है देख लूँ मैं तब बता पाऊँ। तारू कहती है यार देख मैं तुझे पिक दे तो रही हूँ लेकिन कोई कमेंट नहीं, मैं अभी बता दे रही हूँ कोई कमेंट नहीं। तो मैं कहती हूँ अच्छा बाबा ठीक है नहीं कर रही कोई कमेंट, पिक तो दे, पिक नहीं देगी तब तक पता कैसे चलेगा पागल। तो आरु जो है पिक सेंड करती है, पिक मेरे पास आती है तो मैं देखती हूँ पिक को और मेरे मुंह से सीधे निकलता है माशाल्लाह क्या खूब है यार, दिल्ली की चोरी दिल्ली की चोरी दिल्ली की चोरी। हाँ तो आरु कहते देखा मुझे पता था कि कोई ना कोई नौटंकी करनी ही करनी है, मैं इसीलिए नहीं दे रही थी। तो मैं हंसती हुई कहती हूँ अरे 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 अरे। तो कहती क्या अरे अरे, हाँ मुझे पता था तो कुछ ना कुछ भूलेगी जरूर। तो मैं कहती हूँ अरे यार ये तो सच में दिल्ली का ताजमहल है यार, सही मायने में तो आज हमने दिल्ली का ताजमहल देखा है, गजब है यार गजब। तारू कहती है हो गया ना प्लीज, मैं कह रही हूँ शांत हो जा अब कुछ नहीं बोलेगी। अच्छा ठीक है रुक जा होल्ड कर अब। तो मैं उसके पिक को ध्यान से देखती हूँ और फिर आरू को बोलती हूँ कि ड्रेसेस दिखा, तो ड्रेसेस दिखाती है तो उसमें से एक ब्लैक कलर की ड्रेस मैं सिलेक्ट कर देती हूँ कि ये ले जा अच्छी लगेगी। तो कहती ब्लैक उसका फेवरेट कलर नहीं है ये। कहती हूँ हाँ नहीं होगा फेवरेट कलर, मैंने कहा आप कब कहा कि उसका फेवरेट कलर है ये। तो कहती फिर
कहती हूँ तू लेके तो जा यार, सवाल कम किया कर, काम ज्यादा किया कर, ठीक है। बाय द वे तू ये ड्रेस क्यों लेके जा रही है ये बता। तो कहती यार उसे कुछ गिफ्ट करना है ना इसलिए। तो मैं कहती हाय मेरी कल की बात का कोई असर नहीं पड़ा ना अभी तक, सच बता। तो कहती मतलब, कहती हूँ तुझे पहले ही बोला था ये सब चीजें मत कर, उसके लिए कुछ ले जाना है ना। तो आरू कहती है हाँ, कि तेरा बहुत मन है ना ये ड्रेस देने का, कि हाँ तो ठीक है तो ये ड्रेस ले ले, लेकिन ये ड्रेस पहले मत देना तू पहले उसके लिए, मैं बताती हूँ क्या ले। कहते क्या? तो उसे कहती है आठ चीज जा। तो आठ चीज जाती है और उससे कहती है उसे चॉकलेट कौन सी पसंद है, कि फ्रेरो रोचर। तो कहती है वहाँ से उठा ले। वो उठा लेती है, कहती है कार्ड्स हैं यहाँ है, उसमें से एक सबसे खूबसूरत कार्ड जिसमें प्यार को एक्सप्रेस किया जा रहा हो वो ढूंढो। तो और उसमें से एक सबसे खूबसूरत कार्ड निकालती है और उसे परचेज करती है। उसके बाद कहती है, कहती एक पेपर पेन लो। कहती है यहाँ कहाँ से लो? कहती खरीद ले बे, इतनी पैसे वाले हो उसके बाद भी नौटंकी, पेपर पेन लो। तो एक पेपर लेती है, पेन लेती है, कहती अब जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा लिखो। तारो बोलती ओके। तो हाँ कहती ओके लिखो। कहती हाँ भूलेगी कि मानवी मुझे नहीं पता जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ ये तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मैं जो तुम्हें दे रही हूँ ये सब मेरे दिल से जुड़े हुए हैं और मेरे मोहब्बत की निशानियाँ हैं। आई होप कि तुम्हें पसंद आए। मैं कोशिश करूँगी कि तुम्हारी ज़िंदगी की हर खुशी को मैं पूरा कर सकूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में जुड़े हुए हर दुख को मैं अपना दुख बना सकूँ, तुम्हारी खुशियों को दुगना कर सकूँ। मानवी मुझे नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या होगा और ना मैंने इस फ्यूचर की टेंशन ली है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो भी वक्त मुझे तुम्हारे साथ मिला है ना ये इतने खूबसूरत लम्हे हो कि मैं पूरी जिंदगी इन खूबसूरत लम्हों में काट सकूं। अगर तुम मेरे पास ना भी रहो तो भी तुम मेरे पास रहो, इस तरह का ये वक्त मैं बिताना चाहती हूँ, इतने खूबसूरत लम्हे मैं अपने दिल में उतारना चाहती हूँ। और हाँ आज तुमसे एक वादा करती हूँ, जिंदगी की राहों में हम साथ रहें या ना रहें लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा रहोगी मेरी मोहब्बत बनके। तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं लेकिन मेरी आखिरी मोहब्बत बनोगी। और अगर हम साथ हुए तो तुमसे एक और वादा है, बड़ी खुशियों का तो पता नहीं लेकिन तुम्हारी हर छोटी छोटी खुशियों का मैं ध्यान रखूंगी। जिससे तुम उन छोटे छोटे लम्हों को मिस ना कर दो, तुम्हारी हर ख्वाहिश का ध्यान रखने की कोशिश करूंगी, तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं लेकिन तुम्हारे गम में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी।
तुमसे ये वादा नहीं करूंगी कि जब तुम रोओगी तो मैं तुम्हें हंसा सकूं। ये वादा मैं बिल्कुल नहीं करूंगी कि तुम रोओगी तो मैं तुम्हें हंसा ही पाऊंगी, लेकिन मैं तुमसे ये वादा करती हूँ कि जब तुम रोओगी तो मैं तुम्हारे साथ रोऊंगी, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूंगी, उन्हें अपनी पनाहों में छुपा लूंगी और कोशिश करूंगी कि तुम्हारी आंखों से गिरा हुआ हर आंसू मेरे हाथ की लकीरों पे आ जाए और उन आंसुओं को मैं दोबारा से खुशी में तब्दील कर सकूं। इस तरह से मैं अपनी मोहब्बत को तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन इस वक्त में, इस लम्हे में तुम्हारे साथ जिंदगी, पूरी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तो इतना मैं उससे लिखवाती हूँ और कहती हूँ, अब जा एक रोज ले लेना और सुनो, रेड रोज मत लेना, येलो रोज। तारू कहती, क्यों, मैं तो प्यार करती हूँ। कहती, बेवकूफ, पहले दोस्ती तो स्टार्ट कर, डायरेक्ट प्यार, दोस्त तो बना ले कि अगर इन फ्यूचर साथ ना भी रहें तो एटलीस्ट दोस्ती तो बरकरार रहे, क्योंकि तेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लड़की दिमाग की गरम है, कब पलट जाए कुछ पता नहीं है, तो इसलिए पहले दोस्ती की शुरुआत कर। और सुन, निधि के हिसाब से चलना है ना, तो उसी के पास जा, मेरे पास मत आया अगर। तारू कहती, अरे बाबा ठीक है मैं जाती हूँ। कहती, चल ठीक है बाय, जैसा भी हो फिर बता दियो मुझे, गायब मत हो जाइयो। कहती ठीक है। कहती, चल ना छोरी, रख ले फोन, चल अब बहुत देर होगी, मने सुन दे। तारू कहती, ये क्या लैंग्वेज है भी। कहती, यार नींद आ रही है ना, सोने दे, तुझे पता है नींद में कुछ भी बोलती हूँ। देखा कि मैं फ़ोन रख देती हूँ और आरू भी फिर निकल जाती है मानवी से मिलने के लिए, तो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।